बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है पांच का तड़का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हमारा नया प्रोग्राम है जिसमें आपको बॉलीवुड के साथ साथ टीवी के बारे में भी यानी कि छोटे पर्दे के बारे में भी कुछ खबरें जानने को मिलेंगी, वो मज़ेदार खबरें जो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आपको बता दें हमारे इस प्रोग्राम की खासियत यही है कि इसमें आपको बॉलीवुड के साथ साथ टीवी के दुनिया के बारे में भी कुछ मज़ेदार किस्से जानने को मिलेंगे, उन एक्ट्रेसेस के बारे में जानने को मिलेगा जो इस टाइम सोशल मीडिया से लेकर हर जगह छाई हुई है, और साथ ही साथ बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। तो फिर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के रोमांस किंग यानी कि शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर एक्टर में से जाने जाते हैं। शाहरुख खान के साथ हर हीरोइन काम करना चाहती है, लेकिन अगर शाहरुख खान की बेटी यानी कि सुहाना खान के बारे में बात की जाए तो आपको बता दे सुहाना खान भी अपने पापा शाहरुख खान से कुछ कम नहीं है। पॉपुलैरिटी की अगर बात की जाए तो शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपने पापा को पूरी पूरी टक्कर देती हैं। सुहाना खान अभी फिल्मों में आई भी नहीं है, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग काफी लाजवाब है। आपको बता दें सोशल मीडिया पर सुहाना की फैन फॉलोइंग साफ देखी जा सकती है। आए दिन सुहाना खान कभी पार्टीज में तो कभी दोस्तों के साथ एंजॉय करती हुई दिखाई देती हैं, और हाल ही में सुहाना खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो नशे में दिखाई दी हैं। जी हां दोस्तों, हाल ही में सुहाना की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सुहाना काफी छोटी ड्रेस पहने नशे में धुत दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने शराब पी रखी है या फिर नहीं ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सुहाना खान पोज दे रही हैं और जिस तरीके से वो खड़ी हैं, जिस तरीके से वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही, उससे तो यही लग रहा है कि भाई सुहाना खान ने शराब पी हुई है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी में इंजॉय कर रही है। हालांकि आपको बता दें पहली बार नहीं है जब सुहाना को ऐसे पार्टीज में देखा गया हो, सुहाना कई बार ऐसे ही पार्टीज में दिखाई दे चुकी हैं। वहीं सुहाना अपने स्टाइल स्टेटमेंट के लिए भी जानी जाती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों बॉलीवुड के नए लव बर्ड्स यानी कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का प्यार आसमान छू रहा है। कभी ये दोनों डिनर डेट पर दिखाई देते हैं तो भाई कभी आलिया रणबीर के परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करती हुई दिखाई देती हैं। वहीं बीते दिनों रणबीर ने भी आलिया के साथ रिलेशनशिप पर मोहर लगा दी थी और एक बार फिर से ये दोनों देर रात स्पॉट किए गए हैं। जी हां, हाल ही में इन दोनों लव बर्ड्स को संजय दत्त के घर के बाहर स्पॉट किया गया और एक बार फिर से दोनों देर रात संजय दत्त के घर के बाहर स्पॉट किए गए। बता दें जो तस्वीर सामने आई है उसमें आलिया भट्ट संजय दत्त के घर के बाहर स्पॉट हुई। खबरों की माने तो आलिया संजय के घर रणबीर को लेने पहुंची थी। इससे पहले भी रणबीर फिल्म की वजह से संजय दत्त से कई बार मुलाकात कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि संजय दत्त के घर हुई इस मीटिंग में रणबीर कपूर के अलावा संजू फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी भी मौजूद थे और आलिया अपने बॉयफ्रेंड रणबीर को संजय दत्त के घर पर लेने पहुंची थी। वेल, आपको बता दे आलिया भट्ट और रणबीर कपूर आजकल एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग हो नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और उनकी एक्स वाइफ अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान ने इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सिम्बा को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हैं। लेकिन अब एक नई खबर सामने आई है कि भाई रणवीर सिंह सारा अली खान को आंख मारेंगे। जी हां दोस्तों, आप सबने आंख मारो और लड़का आंख मारो सॉन्ग तो सुना ही होगा। तो अब इस गाने पर रणवीर सिंह और सारा अली खान भी एक जबरदस्त डांस करने के लिए पूरे तैयार हैं। दरअसल ये गाना एक बार फिर रिक्रिएट किया जा रहा है फिल्म सिम्बा के लिए। खबरों की माने तो रोहित शेट्टी ने इस गाने को रिमिक्स करने की जिम्मेदारी तनिष्क बगाची को दी है। तनिष्क ने बीते महीनों में कई सारे पुराने गानों का रिमिक्स किया है और अब वो आंख मारे गाने को भी रिक्रिएट करेंगे और इस गाने के साथ जबरदस्त तड़का लगाने के लिए रणवीर सिंह और सारा अली खान बिल्कुल तैयार हैं। वहीं फैंस भी अब रणवीर सिंह और सारा अली खान को फिल्म सिम्बा में देखने के लिए काफी ज्यादा उतावले हैं। अब रणवीर सिंह सारा को आंख मारने के लिए तो बिल्कुल तैयार है,
तो वहीं भाई कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि रणवीर सिंह की गर्लफ्रेंड यानी कि दीपिका पादुकोण को जलन होने वाली है। जी हां, आपको बता दे खबर है कि दीपिका पादुकोण इन दोनों से काफी ज्यादा जल रही हैं, यानी कि उन्हें काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी फील हो रही है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरीके से हमने आपको बॉलीवुड के कुछ मजेदार किस्सों से रूबरू करवाया। ये वो खबरें थी जो इस टाइम हर जगह छाई हुई हैं, जिनके चर्चे हर जगह हो रहे हैं। और अब हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट की ओर लेके चलते हैं, जिसमें आपको टीवी के बारे में जानने को मिलेगा। अभी हमारी पहली रिपोर्ट में आपको बॉलीवुड से जुड़ी खबरें जानने को मिली, लेकिन अब हाँ, आपको हमारी अगली रिपोर्ट में टीवी की दुनिया के बारे में कुछ मजेदार किस्से जानने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की तरफ, और देखते हैं कि भाई कौन कौन सी टीवी की ऐसी खबरें हैं जो इस टाइम काफी ज्यादा चर्चा में हैं। तो फिर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। टीवी की सबसे चहेती बहू अक्षरा और बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हिना खान इन दिनों खूब चर्चा में है, और अक्सर ही हिना खान अपने हुस्न के जलवे बिखेरते हुए दिखाई देती है। वहीं वो अपने बॉयफ्रेंड रॉकी के साथ भी काफी रोमांटिक पल बिताती हुई अक्सर ही दिखाई देती हैं, लेकिन इस बार हिना खान अपने बॉयफ्रेंड रॉकी को छोड़कर किसी और के साथ ही अपने हुस्न की बिजलियां गिराती हुई नजर आ रही हैं और किसी और से लिपटी हुई दिखाई दी हैं। जी हां, हिना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हिना खान इश्कबाज के शिवाय को मोहती हुई नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में एक अवार्ड शो की शाम सजी थी। इस अवार्ड शो में टीवी जगत का हर छोटा बड़ा सितारा नजर आया था। बता दें, इस अवार्ड शो में हिना को बेस्ट स्टाइल डीवा ऑफ टीवी इंडस्ट्री का अवार्ड दिया गया। अवार्ड लेने जब हिना स्टेज पर आई तो शो के होस्ट कर रहे शिवाय यानी कि एक्टर नकुल मेहता ने उनके साथ डांस करने की गुजारिश की थी। फिर क्या था, हिना ने भी अपने हुस्न की बिजलियां नकुल के ऊपर गेर दी। हिना ने नकुल के साथ आओ ना गले लगाओ ना पर खूब लिपट लिपट कर डांस किया। दोनों ने स्टेज पर अपनी इस छोटे से डांस परफॉर्मेंस से आग लगा दी थी। टीवी में नागिन बनकर सबको अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय की किस्मत फिर दोबारा से चमकती जा रही है। ये तो सभी जानते हैं कि मौनी रॉय अक्षय कुमार के साथ फिल्म गोल्ड में नजर आएंगी, जिसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। वहीं मौनी रॉय रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी नजर आने वाली हैं। लेकिन अब हाल ही में एक और नई खबर सामने आई है, जिसे सुनने के बाद आप भी काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई मौनी रॉय की तो किस्मत चमकती ही जा रही है। जी हाँ, खबर आ रही है कि मौनी के हाथों में एक और बड़ी फिल्म लग चुकी है। खबरों की माने तो मौनी जल्दी मेड इन चाइना फिल्म में नजर आएंगी। बता दें, एक कॉमेडी फिल्म होगी जिसमें मौनी लीड हीरोइन के तौर पर नजर आएंगी। फिल्म में मौनी के अपोजिट राजकुमार राव नजर आएंगे। अब राजकुमार के साथ कौन काम नहीं करना चाहता भाई, और जिस तरीके से मौनी को बॉलीवुड में एक के बाद एक फिल्में ऑफर हो रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में मौनी अच्छे अच्छे स्टार्स की छुट्टी ना कर दे। इसी के साथ आपको बता दें, मौनी रॉय को जॉन अब्राहम के साथ फिल्म रॉय के लिए भी फाइनल कर दिया गया है। पिछले काफी वक्त से ऐसी खबरें आ रही थी कि मौनी रॉय जॉन अब्राहम के साथ भी फिल्म रॉय में नजर आएंगी, लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है कि जॉन अब्राहम के साथ मौनी रॉय बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं। वेल दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, और ये खास प्रोग्राम हम सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ भाई कि आप लोगों को बॉलीवुड के साथ साथ टीवी की दुनिया के बारे में भी जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, और इसी वजह से आप सभी का ख्याल रखते हुए हम आपके लिए खास प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसका नाम है 5 का तड़का। लेकिन फिलहाल तो वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, पर इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा, जल्द होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बी टाउन के साथ साथ टीवी की दुनिया के बारे में भी कुछ और मजेदार किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।